सनसनी ऑफ इंडिया। विवेक विहार थाना पुलिस ने योजना विहार इलाके के एक फ्लैट में गैस मीटर रीडिंग के नाम पर एक कारोबारी की बेटी और नौकरानी को बंधक बनाकर लाखों रुपए नकद वहीरे सोने और चांदी के गहनों की लूट की वारदात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को दबोच लिया है। वारदात के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर का 4 साल पुराना ड्राइवर और 14 साल पुरानी नौकरानी निकली। नौकरानी ने अपने एक जानकार को भी लूट की योजना में शामिल कर लिया था। आरोपियों ने अपनी तरफ से तो लूट का सॉलिड प्लान बनाया था, लेकिन विवेक विहार थाना पुलिस के आगे आरोपियों की चालाकी धरी रह गई। आरोपियों की पहचान 48 वर्षीय ड्राइवर गुलाब सिंह, नौकरानी पूजा उर्फ हरीबाई व 40 वर्षीय वसीम के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया कैश और ज्वेलरी बरामद कर लिया है। DCP रोहित मीणा ने बताया कि 18 मार्च को दोपहर करीब 1:07 विवेक विहार में फ्लैट नंबर 31 योजना विहार में एक घर में लूट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। घर के मालिक अजय जैन की नाबालिग बेटी और नौकरानी पूजा घर पर मौजूद थी। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह अपनी नौकरानी के साथ दोपहर करीब 12:15 घर पर मौजूद थी। अचानक चेहरे पर मास्क लगाए खुद को गैस मीटर रीडिंग करने वाला व्यक्ति घर में घुस गया। उसने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और उसे चमड़े की बेल्ट व टाई से बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने नौकरानी को भी थप्पड़ मारा और बांध दिया। घुसपैठिया 9,10,400 रुपये नकद और दूसरी मंजिल पर एक अलमारी में रखे हीरे सोने और चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर थाना विवेक विहार पुलिस ने FIR नंबर 112/23 धारा 392/394 IPC के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा करने और आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए DCP रोहित मीणा ने ACP जगदीश प्रसाद की सुपरविजन व SHO नरेंद्र सिंह की नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र, इंस्पेक्टर प्रवेश कसाना, SI राहुल, हेड कांस्टेबल मनीष, संदीप, विपिन कुमार, सुमित व महिला हेड कांस्टेबल सुशीला की एक टीम का गठन किया। SHO नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और उसके क्राइम सीन तक आने और जाने के रूट का पता लगाने के लिए 50 से अधिक CCTV फुटेजों को खंगाला। CCTV फुटेज और CDR जैसे तकनीकी जांच के साथ ही घर में काम करने वाली मेड, ड्राइवर, गार्ड सहित सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जांच में पुलिस टीम ने पाया कि घर का दरवाजा खुला होने की वजह से संदिग्ध व्यक्ति आसानी से घर में घुस गया था। क्राइम की मोडस ऑपरेंडी से SHO नरेंद्र सिंह को एक बात तो समझ में आ गई थी कि वारदात को अंजाम किसी जानकार ने ही दिया है। वारदात वाले दिन घर का दरवाजा गलती से खुला रह गया था या जानबूझकर खुला छोड़ा गया था, ये जानने के लिए इंस्पेक्टर प्रवेश कसाना ने घर में लगे CCTV कैमरे की पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग को बारीकी से स्कैन किया तो देखा कि घर में घुसते ही फैमिली मेंबर, गार्ड और नौकर दरवाजा बंद करना एक बार भी नहीं भूले थे। घर में लगे CCTV फुटेज से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन वारदात के समय घर का दरवाजा खुला रहने से पुलिस टीम का शक घर की नौकरानी की तरफ गया, क्योंकि वारदात के समय घर में सिर्फ पीड़ित की नाबालिग बेटी और नौकरानी ही थी। पुलिस टीम ने नौकरानी को शक के दायरे में लेकर पूछताछ करनी चाही तो घर के लोगों ने इसका विरोध किया। पीड़ित परिवार का कहना था कि नौकरानी घर में पिछले 14 सालों से काम कर रही है और हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। पीड़ित परिवार का नौकरानी के पक्ष में खड़े हो जाने की वजह से टीम नौकरानी से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। SHO नरेंद्र सिंह को नौकरानी पर था तो पूरा शक, लेकिन वारदात के समय नौकरानी ने घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा था, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। नौकरानी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए टीम ने घर के बाकी नौकरों और ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। टीम ने घर के मेंबरों से भी पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान बातों ही बातों में पीड़ित का छोटा बेटा पुलिस से बोल पड़ा कि हर रोज की तरह अगर आज भी वो स्कूल से टाइम पर घर आ जाता तो वो चोर को पकड़ लेता, लेकिन आज ड्राइवर अंकल उसे स्कूल में लेट लेने आए थे। बच्चे की बात सुनकर SHO नरेंद्र सिंह का माथा ठनका कि वारदात के समय घर का दरवाजा खुला होना और अपनी 4 साल की सर्विस में पहली बार ड्राइवर का स्कूल से बच्चे को घर लेट लाना, यह कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बच्चे की बात को सीरियस लेकर टीम ने ड्राइवर से बच्चे के स्कूल देर से जाने का कारण पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगा, जिसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। पूछताछ में आरोपी गुलाब सिंह ने खुलासा किया कि वह वर्ष 2020 से पीड़ित परिवार में ड्राइवर के रूप में नौकरी कर रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबा हुआ था। घर की नौकरानी पूजा उर्फ हरीबाई को भी पैसों की जरूरत थी। वसीम पहले 2009 में मानसरोवर गार्डन स्थित कार्यालय में उनके साथ काम करता था।
वसीम को भी पैसों की जरूरत थी क्योंकि वह अपनी पत्नी की बीमारी के कारण परेशान था। तीनों ने शिकायतकर्ता के घर को लूटने की साजिश रची। वे परिवार के व्यक्तियों की आवाजाही और उपस्थिति के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि घर के मालिक के पिता अजय जैन अमीर व्यापारी हैं। उनकी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में तार और केबल की फैक्ट्री है और घर से पैसे का भारी लेन देन होता है। नौकरानी पूजा उस अलमारी को जानती थी जहां पैसे और आभूषण रखे जाते थे। तीनों पिछले दो महीनों से लूटपाट की योजना बना रहे थे। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने कुछ नकली सिम खरीदे और वारदात के बाद सिम और फोन को तोड़कर फेंक दिया। योजनानुसार वारदात वाले दिन नौकरानी ने घर का दरवाजा खुला रखा और नाबालिग पीड़िता को बांधने के लिए पहले से ही टाई बेल्ट और मौज निकालकर कमरे में एक जगह रख दिए। दरवाजा खुला होने की वजह से वसीम गैस मीटर रीडिंग के बहाने घर में घुस गया। घर में घुसते ही वसीम ने नाबालिग लड़की को घर में पहले से ही मौजूद बेल्ट और टाई से बांध दिया और धमकाया। वसीम ने नाटक करते हुए नौकरानी को भी थप्पड़ मारे और उसके भी हाथ बांध दिए ताकि ये दिखाया जा सके कि वह भी शिकार हुई थी। वारदात वाले दिन ड्राइवर जानबूझकर पीड़ित के दूसरे बच्चे को स्कूल से घर लेट लेकर आया था ताकि उतने समय में उसके साथी वारदात को अंजाम दे सके। पहला आरोपी 48 वर्षीय गुलाब पुत्र देशराज ग्राम गढ़ी साबरू डाकघर लोनी जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। इसने मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की है। ये पीड़ित परिवार में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने इसके पास से लूट के 2,60,400 रुपए नकद और कुछ गहने बरामद किए हैं। दूसरा आरोपी 40 वर्षीय वसीम पुत्र हाजी इलियास मकान नंबर 1308 कैला भट्टा गाजियाबाद यूपी का रहने वाला है। इसने 12वीं तक पढ़ाई की है। ये ऑटो ड्राइवर है। पुलिस ने इसके पास से 3,00,000 नकद और आभूषण बरामद किए हैं। तीसरी आरोपी पूजा उर्फ हरीबाई पत्नी कल्लू मकान नंबर OC 257 ग्राउंड फ्लोर विवेक विहार और पीछे से ग्राम देवराज थाना मालिर जिला झांसी की रहने वाली है। यह अनपढ़ है। ये पीड़ित परिवार में पिछले 14 वर्षों से नौकरी कर रही थी। पुलिस ने इसके पास से भी लूट की रकम में से 3,50,000 रुपए और गहने बरामद किए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया ने क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 7:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।